नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं, अल्माटी कजाकिस्तान से कर रहा हूं। आज हमारी फ्रेंड का बर्थडे था, हम सभी फ्रेंड उसमें जा रहे थे, लेकिन अचानक हमने किसी फ्रेंड का पोस्ट देखा जिसकी जो पोस्ट में बजरंग पुनिया साहब थे जो कि अल्माटी कजाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमने अचानक उससे बात की और सडनली प्लान किया है, और अभी पता चला है कि बजरंग पुनिया साहब जिस होटल में रुके हुए हैं अपन माँ के लिए रवाना हो रहे हैं, और कोशिश करते हैं उनसे मिलने की। अगर उनके पास टाइम होगा, वो फ्री होंगे, तो वो डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हम उनको काफी दिन से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है। और एक बार अपन पहुंचते हैं उनके होटल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बजरंग पुनिया सर से मिलने के लिए आए हुए हैं। ये होटल कजाकिस्तान है और बहुत ही फेमस होटल है, जितने भी सेलिब्रिटी आती है इंडिया से ऑलमोस्ट इसी होटल में रुकती है। और ये बजरंग पुनिया सर के कोच है, और इनका नाम सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम जगमंदर सिंह है, मैं इंडियन टीम का चीफ कोच हूँ। और सर आपका मैच हो गया जो कजाकिस्तान आए थे। हाँ, आज खत्म था हमारा। ये हमारी तीन स्टाइल होती है रेसलिंग में, एक वुमेन की है, एक ग्रीको रोमन होती है, एक फ्री स्टाइल होती है। तो फ्री स्टाइल थी ये सबसे लास्ट में, वो आज खत्म। और सर कैसा लगा आपसे इंडियन स्टूडेंट मिलने के लिए आए हुए? बहुत ज़्यादा प्यार। आज हमारे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ स्टेडियम में भी कम से कम आधा स्टेडियम हमारे इंडियन से भरा हुआ था। तो सर कैसा महसूस होता है बजरंग पुनिया सर के कोच है, जिन्होंने बड़े लेवल पर अपना नाम रोशन किया है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर बजरंग पल के हमें थोड़ा दुख है इस बात का कि थोड़ा वो गोल्ड मेडल जो गोल्ड की उम्मीद थी वो किसी वजह से रह गया, कोई छोटी सी गलती थी एक, उसकी भरपाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। पर सर ऐसा नहीं है, उम्र निकल गई, अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है उनके पास, बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत करेंगे, अभी आने वाले समय में बिल्कुल बिल्कुल गोल्ड भी लाएंगे, और जितने अच्छे अच्छे मेडल होंगे देश का नाम और अच्छे ऊंचे लेवल पर रोशन करेंगे वो। और सर आने वाले युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फील्ड आपका दूसरा है, पढ़ाई वाला है, और मेडिकल कर रहे हो यहाँ से, मेडिकल से, तो बहुत अच्छा लगा। सर हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो चलो, बहुत अच्छा लगा। हमें बबीता फोगाट में भी 2013-14 में शायद अल्माटी आई हुई है। नहीं नहीं, हमारा तो इसमें 2019 में आए थे हम यहाँ वर्ल्ड का, वो ओलंपिक क्वालिफाई था, एशियन चैंपियनशिप थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एशियन चैंपियनशिप थी, क्वालिफाई था, अल्माटी में ही था। और हमने वो मैच भी देखा बजरंग सर का, जिन्होंने कजाकिस्तान के ही रेसलर को हराया था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, याद हो शायद आपको, कजाकिस्तान का ही हराया था ओलंपिक में। अच्छा, ओलंपिक में हाँ, कजाकिस्तान का हराया था, और हमने स्टेटस भी लगाया था वो, कजाकिस्तान के लोग चिढ़ भी गए थे उससे। ओलंपिक में था, उन्होंने हराया था, ब्रॉन्ज लिया था उस टाइम, ब्रॉन्ज लिया था। वैसे मैं दिल्ली पुलिस में था, मैं DCP इंटर हुई 2 साल हो गए, और उससे पहले मैं खुद 3 ओलंपिक खेला हूँ, लेकिन उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, हम आगे इतने आगे नहीं थे, लेकिन उस टाइम भी मेरा मास्को ओलंपिक में रशिया में ही हुआ था, 80 में हुआ था मास्को ओलंपिक, तो उसमें मेरी 4th पोजीशन थी। और दोस्तों आप जानते हो कि देखो बजरंग पुनिया सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है, गुरु में बहुत ताकत होती है, वो बिखरे हुए हीरे के जो वो होते हैं टुकड़े, उनको निखार के एक हीरा बना देता है कांच के टुकड़ों को। तो सर आपका भी बहुत इतना योगदान है जितना उनका है, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अच्छा गुरु और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो उसको अच्छी डायरेक्शन पर ले जा सकता है, और जो बिखरी एनर्जी को उसको समेट के एक बड़ा काम कर सकता है। तो आपको भी इतना ही धन्यवाद जितना उन सर के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। हम नहीं जा सकते। और सर उनकी मैं वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा उन्होंने ओलंपिक जीता उसके बाद भी यानी रिक्स ले लिया हो 10-15 दिन आराम, अगले 3-4 दिन बाद भी वही मेहनत, वही हार्ड वर्क। अगर भाई हम अपने से बतावें, दूसरे से ना भी बतावें, तो जैसे हम ये रेसलिंग स्पोर्ट्स ऐसा है, दूसरे स्पोर्ट्स से थोड़ा अलग है। अगर जैसे हमने रेसलिंग, मैंने 12 साल की उम्र में करी थी, तो हम पढ़ ही नहीं पाते, अगर पढ़ाई कर दी तो फिर उधर से जाएंगे, उधर वो शुरू कर दिया तो पढ़ाई जाएगी, एक तो जाना ही जाना है, एक चीज़ भी करवानी जरूरी है, एक की जरूरी है। और आजकल पेरेंट्स ऐसे हो गए कि उनको पढ़ाई ज़्यादा है, इसमें सोचते हैं ये तो पार्ट टाइम करवा। हाँ, वो यही तो हमारी बदकिस्मती है, ऐसी हालत हो गई। जैसे बच्चा है ना, हर माँ बाप यही सोचता है भाई इसको पढ़ाना पढ़ाना, उसका अगर टैलेंट देखा जाए ना और उसमें डाला जाए तो बहुत फर्क पड़ता है।
ऐसा हो गया सर, अब तो देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, रेसलिंग करता है, वो तो ठीक है पर करता क्या है। रेसलिंग में इतनी मेहनत है, सवेरे शाम इतनी कर लेगा, वो किताब देख ही नहीं सकता। हम तो जैसे रेसलिंग छोटी रहा, हमारी अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी लग गई, तो फिर नौकरी भी करनी थी हमने, तो फिर कम से कम 2 साल ट्यूशन लगा के वो काम चलाया है। तो दोस्तों अभी अपन होटल कजाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं आप देखो, और ऊपर बजरंग सर बैठे हुए हैं, हमें दूर से दिखाई दे गए। अभी अपन उनसे मिलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा ही अच्छा अनुभव रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आप देखो सभी इंडियन ड्रेस में बैठे हुए हैं और अभी अपन इनसे मिलते हैं। देखो मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत बहुत बड़ा फैन है हम तो आपके, और हमने अभी किसी की पोस्ट देखी आपको बताएं इंस्टाग्राम पे, कोई शायद आपसे कल एयरपोर्ट पर मिला या आप मिला, हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, टैक्सी को किया यूं तक कि बर्थडे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर सर से एक बार मुलाकात हो जाए। ये भी आते जाते रहे 10-11 तो मेरा कोई पड़ता ना बस जी का पता नहीं बहुत बड़ा। और आप इसलिए सर ढेर सारी शुभकामना मेडल लेके आए, रोक नहीं पाए मतलब मिलने के लिए आपसे, बस बंदर में इतनी बस छोड़ गया कि टैक्सी में भी टैक्सी आया, बस और बंद हो गई है रात। सर कैसा लगा सर कजाकिस्तान आना? कितने लोग आए आप टोटल? हमारे तो कम से कम 30 थे, एक टीम हमारी जाती फर्क नहीं है, चीज वही है बस थोड़ा बनाने का थोड़ा स्टार्च चेंज है, बाकी तो वही एक ही चीज होती है वहाँ भी। बहुत से आदमी वहाँ जाके पूछते हैं वहाँ क्या क्या देखा, हम उनको एक चीज बताओ क्या आपको सर टाइम भी किया पर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है ना, आपका एक फैन मिल गया मुझे बार में, हाँ उसने बॉडी बना रखी थी उन्होंने बताया कि हम देखो और फिर मैंने इसको ये कह दिया कि कजाकिस्तान के बंदे को आया था उन्होंने ओलंपिक में फिर चढ़ गया ये। सब बड़ी मन लग रहा है सर, हम सभी आया MBBS कर रहे हैं भैया, और हम सब राजस्थान के रहने वाले हैं, तो दो बताया जिम्मे नानोल के पास
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बजरंग सर हैं और इनसे हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। सर आप आने वाले इंडियन स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहोगे अलमाटी के बारे में? जो भी अपने स्टूडेंट आओ उन सब बधाई क्योंकि और मन लगा पढ़ो, इतनी दूर आओ हो, माँ बाप ने बहुत आशा है आप लोगों से, तो आप मन लगा के पढ़ाई करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो साथ ही साथ। और सर हम भी आपके लिए कामना करेंगे, आप आने वाले ओलंपिक में अच्छे से गोल्ड मेडल लाओ और देश के लिए बहुत ज़्यादा नाम रोशन करो। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी कम है। आपको शुरू से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, मुझे 4 साल हो गए आपको गीता मैम और जो पूरा ये फोगाट फैमिली है। और सर मतलब आज बहुत अच्छा लगा आपसे। तो दोस्तों हमने काफ़ी टाइम निकाला है, बजरंग सर ने हमसे बहुत अच्छे से बात की और बिल्कुल हम्बल नेचर लगा इनका। हमें उम्मीद भी नहीं थी इनसे मिलना हो पाएगा। आप देख सकते हो सभी बैठ के पूरी टीम आई हुई है, लगभग 15 से 20 लोग आए हुए हैं, सभी यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। और ये सर के कोच हैं, ये इनसे स्टूडेंट बात कर रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट सिस्टम लगा है। जितनी तारीफ की जाए बजरंग सर की उतनी कम है। अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, हमें किसी के बर्थडे में जाना है तो वो भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओके सर, धन्यवाद सर। फिर कल फ्लाइट है आपकी? कल फ्लाइट है 5 बजे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे, चलते हैं। और सर आई होप जल्दी मुलाकात होगी, आप गोल्ड लेके आओ, हम दोबारा बधाई देने के लिए फिर आएंगे आपके लिए, ठीक है? तो दोस्तों अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, ये बजरंग सर हैं, अभी शायद कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं और अभी हमारा जाने का टाइम हो गया क्योंकि फिक्स टाइम है, इनकी पर्सनल लाइफ है, ये ज़्यादा समय नहीं दे सकते। लेकिन जितनी भी बात की है, हम इनके डाई हार्ट फैन हो गए, हालांकि पहले भी बहुत फैन थे लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है और इतने बिल्कुल क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल देसी फन और अपनी देसी मिट्टी की खुशबू आती है। हमें उम्मीद नहीं थी, गौरव तुझे लग रहा था कि अच्छे से बात करेंगे, हमें लग रहा शायद मिलने नहीं देंगे, ऐसे ऐसे भगा देते ना सेलिब्रिटी, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन सर ने बहुत अच्छा किया, मतलब सपना है, कोई सपना ये शायद कभी सोचा नहीं था। और पूरे जो टीम आई हुई थी सबसे मिले और पूरी कोशिश की है मैंने आपको दिखाने के लिए। अब अभी अपन यहाँ से निकलते हैं। भूपिंदर तुझे कैसा लगा भाई? सपना लग रहा है, अभी पता नहीं कैसा लगा, तेरे कसम विश्वास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी अपन होटल कजाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं और बजरंग सर से मिलाने में सबसे ज्यादा योगदान था मनोज भाई का था, क्योंकि अभी अपन बस में जा रहे थे, इन्होंने इंस्टाग्राम पर किसी की पोस्ट देखी बजरंग पुनिया सर के साथ, इन्होंने कहा चलो मैं मिला के लाता हूँ। फिर इन्होंने उस बंदे से बात की, बताया होटल कजाकिस्तान में रुके हुए हैं और सडनली इनका प्लान बना और हमारी भी इच्छा थी, ऐसी बात नहीं है कि इनका प्लान बना तो हमारी इच्छा नहीं थी, हम भी काफी दिन से इनको फॉलो करते हैं। और आपको कैसा लगा मिलके बजरंग पुनिया सर के नेचर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मेहनती आदमी है, जमीन से उठे हैं और ऊंचाई पे जाएंगे और बजरंग पुनिया सर बहुत अच्छा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत फुर्तीला आदमी है और हम सभी उम्मीद करेंगे आने वाले ओलंपिक में वो गोल्ड लेके आए और देश के नाम को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आई होप आपको भी देख के अच्छा लगा होगा, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों हम इस होटल से अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में निकल रहे थे तो केक खरीदने के लिए लग गए तो हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। और दोस्तों 10 या 15 मिनट के बाद हमने टैक्सी बुक की और होटल के बाहर आप देख सकते हो बजरंग पुनिया सर हमें दोबारा दिखाई दिए और अंदर इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था कि अंदर होटल वाले जाना अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए ऑडियंस ने बजरंग पुनिया सर को होटल के बाहर ही बुला लिया। तो दोस्तों ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जस्ट गाड़ी से उतरा हुआ हूँ और अभी इतना मन नहीं भरा, हमारा मन ऐसा कर रहा है कि सर से बात करते रहें और इनके साथ सेल्फी फ़ोटो वीडियो बनाते रहें। तो हम दोबारा से सर से मिलने के लिए पहुँच चुके हैं, अब आप आगे का दृश्य देखिएगा। आ जाओ भाई, पीछे कैब खड़ी है, आजा अनिल। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम सुजीत मानव। सुजीत मानव, आपका इंस्टाग्राम पे? मैं बैटिंग का कोच हूँ जी। हाँ जी, मैं कोच हूँ। 74 में आप लगते नहीं हो भैया इतनी उम्र के। अच्छा वेट, सॉरी सॉरी, ये जो था ना 74 वेट भाई, इंडिया के एक नंबर के थे। हां, मिट्टी में भी और मैट पे भी दोनों जगह से।
ले पकड़ इसको जरा। बहुत अलग खुशी होती है जैसा हम भी इधर रह रहे हैं। जाने का मन नहीं हो रहा, गाड़ी ने खड़ी करा रखी है, घर वालों को दिखाएंगे तो कितना बता। अगर अभी जैसे कि मैं आपको इंस्टा पे फोन करता हूँ तो क्या सीन होता है जी? नाम हमारे जूनियर के जो भी है सब नाम जी कल भाई 8,000 में तो 4,000 का आने चाहिए एक कंप्यूटर एजेंट चाहिए तुरंत फोन कर ले कोई ऑफलाइन जमीन कितनी का तो भाई साथ नहीं हुआ। आप एक काम करो ना भाई, तुम रुक के रहो नहीं आप मने गए फ्री चार्ज लिए तीन मिनट ले रखा है, आप आओ बढ़िया हमारे साथ आपकी सेवा करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो बजरंग पुनिया सर होटल कजाकिस्तान के बाहर खड़े हुए हैं और इनके साथ इनके कोचें और भी रेसलर हैं और सभी स्टूडेंटों से कितना खुलकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा शो ही नहीं कर रहे कि ये सेलिब्रिटी हैं और अपन आम आदमी हैं। तो देखो और आदमी अगर इतना नरम रहेगा या फिर बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहेगा तभी जाके बुलंदियों पर पहुंच सकता है, ये बात हमको सीखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है शहर में किसी भी तरीके का एटीट्यूड और किसी भी तरीके का घमंड नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों देखो अगर आप ऐसा व्यवहार रखोगे तो आने वाले समय में आप भी बहुत आगे जाओगे। बजरंग सर से काफ़ी बातें की हैं, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आए थे ऐसा लगा था कि शायद एक मिनट मिलने काफ़ी हो जाए, लेकिन सर बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम इनके छोटे भाई हैं या फिर इनके साथ पढ़े लिखे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके और दोस्तों आई होप आपको भी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।